तो कौन जीत रहा है बागेश्वर विधानसभा चुनाव, बीजेपी या कांग्रेस? आज इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। पहले इस सीट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दें तो ये सीट उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर से चार बार के विधायक रहे चंद्रनाम दास के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ दो दिन पहले ही यानी 5 सितंबर को वोटिंग हुई है और 55.42% वोट पड़े हैं। इस विधानसभा में 188 बूथ बनाए गए थे जिनका विश्लेषण कर हमने एक समीकरण तैयार किया है कि यहां से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी की ओर से पार्वती दास और कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार प्रत्याशी हैं। 5 सितंबर को वोटिंग के बाद यहां से किसे बढ़त मिली है इसका अनुमान लगाने के लिए हमने 188 बूथों को चार हिस्सों में बांटा है, गरुड़, बागेश्वर नगर क्षेत्र, बागेश्वर ग्रामीण और खरई क्षेत्र। और यहाँ 188 बूथों में से गरुड़ इलाके में सबसे ज़्यादा 88 बूथ हैं, बागेश्वर नगर इलाके में 22 बूथ हैं और बागेश्वर ग्रामीण में 40 बूथ हैं और खरई में 38 बूथ हैं। तो यहां से कौन आगे रह सकता है उसका पहला विश्लेषण आपको हम दिखाने जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि बागेश्वर की 188 बूथों में से बीजेपी 90 से 100 बूथों में आगे रह सकती है, कांग्रेस भी 90 से 100 बूथों में आगे रह सकती है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, 50-50 का मुकाबला है। यूकेडी एक या दो बूथों से आगे रह सकती है, सपा 0 से 2 बूथों में आगे रह सकती है और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी 0 से 2 बूथों में वो भी आगे रह सकती है। अब आप ये समझिए कि गरुड़ की 88 बूथों से कौन आगे रहेगा, बीजेपी या कांग्रेस? तो गरुड़ से किसे बढ़त मिलेगी ये आपको हम बता रहे हैं। गरुड़ के कुल 88 बूथों में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अधिकांश बूथों में ऐसा बताया जा रहा है कि 50-50 का मुकाबला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गरुड़ इलाके से पिछली बार बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले अधिक वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर ग्रामीण की। बागेश्वर ग्रामीण में इस बार 40 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और वोटिंग के बाद संभावना जताई जा रही है कि यहां से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बागेश्वर ग्रामीण से किसे कितनी बढ़त मिलेगी अब इसे आप समझिए। 40 बूथों में से बीजेपी को 100 से 500 वोट तक ज्यादा मिल सकते हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह सकती है और यूकेडी भी दोनों पार्टियों के वोटों पर सेंध लगा सकती है, यानी इस बार यूकेडी को अगर ज्यादा वोट मिले वो भी इन दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 38 बूथों वाले खरई इलाके की। तो खरई में कांग्रेस आगे रहेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि इनमें कौन आगे है कौन पीछे इसकी क्या संभावना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो खरई से किसे बढ़त मिलेगी ये आप समझिए। तो खरई के 38 बूथों में से कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, बीजेपी यहां से दूसरे नंबर पर रह सकती है और यूकेडी भी, देखिए जहां जहां हम यूकेडी की बात कर रहे हैं तो यूकेडी लगातार तीसरे नंबर पर है। अगर यूकेडी को ज्यादा वोट मिला तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, अगर वोट कम मिला तो इनमें सीधे 50-50 की फाइट होगी, अगर ज्यादा वोट मिले तो ये मुश्किल हो सकता है। तो अब बात करते हैं 22 बूथों वाले बागेश्वर नगर की। तो बागेश्वर नगर की 22 बूथों में से कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बागेश्वर नगर से कांग्रेस को 500 से 1000 वोटों की बढ़त मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा रह सकती है, हालांकि अधिकांश जो बूथ है वहां पर भी बिल्कुल 50-50 की फाइट यहां पर दिखाई दे रही है और यूकेडी यहां भी तीसरे नंबर पर है। तो कुल मिलाकर यूकेडी जहां भी जा रही हो तीसरे नंबर पर है, तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था तो खेल बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है अगर यूकेडी को ज़्यादा वोट मिले तो। अब जो ये आंकड़े मैंने आपको बताए तो उनके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला तो है, गरुड़ और बागेश्वर ग्रामीण से बीजेपी आगे है तो खरई और बागेश्वर नगर क्षेत्र से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो इस बार जीत का अंतर जो है वो हमारे हिसाब से 1000 से 2000 के बीच रहेगा, यानी उससे भी कम भी रह सकता है या मुकाबला बहुत नज़दीक हो सकता है। फिर जिस तरीके से कांग्रेस अपना अनुमान बता रही थी कि पिछली बार के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ दें तो वो आसानी से चुनाव जीत सकती है, हालांकि ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 2022 में मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में चुनाव में बीजेपी के चंद्रनाम दास को 32,211 वोट मिले थे, कांग्रेस को करीब 20,070 वोट मिले थे और बसंत कुमार को 16,109 वोट मिले थे। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट जोड़ दें तो ये आंकड़ा 36,000 के पार चले जाता है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर होगी। और अगर आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से आज रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने अनुमान लगाया है कि कहां कहां से उनको बढ़त मिल सकती है, अगर उनकी ओर हम जाएंगे तो इन दोनों पार्टियों में कड़ा मुकाबला है और ये मुकाबला जो है वो 50-50 का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस भी जीत सकती है और भाजपा भी जीत सकती है, कोई भी जीत सकता है। तो अभी ये कहना बहुत साफ यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं नज़र नहीं आ रहा है।
तो आप भी बात बताएं कि बागेश्वर का विधायक कल हालांकि नतीजे आने वाले हैं, तो बागेश्वर का विधायक कौन बनेगा? बसंत कुमार बनेंगे या पार्वती दास, चंद्रनाम दास की बीवी? चार बार तो चंद्रनाम दास बने, अब पांचवी बार क्या उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी विधायक बन पाएगी या नहीं, ये आप कमेंट कर जरूर बताएं। और ये रिपोर्ट आपके लिए बागेश्वर से ही हमारे सहयोगी जगदीश पांडे ने आपके लिए भेजी है। देखते रहिए उत्तराखंड तक।